करीब 12 दिनों के बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय खुला। विश्वविद्यालय खुलते ही छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कई छात्र छात्राएं अपने रिजल्ट में सुधार के लिए आवेदन दे रहे थे, तो कई अभिभावक का कहना था कि हम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से आए हैं, मेरा यहाँ काम नहीं हो रहा है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ के कर्मी कहते हैं कि हमें कोरोना हो जाएगा तो मेरा काम होना चाहिए। अभिभावक के साथ छात्र छात्राओं में काफ़ी आक्रोश देखा गया। दर्जनों छात्र अपने कामों के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि सभी छात्र छात्राओं का काम हो रहा है, क्योंकि कर्मचारियों का काफ़ी अभाव है जिस कारण कामों में देरी हो रही है, लेकिन सभी छात्र छात्राओं का काम जल्द ही हो जाएगा। डाटा सेंटर का कुछ कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव हो गया जिस कारण डाटा सेंटर बंद है, लेकिन इन लोगों का काम जल्द ही हो जाएगा। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। यहाँ आप लोग खड़े हैं धूप में परीक्षा विभाग के सामने में, पूरी क्या समस्या, क्या दिक्कत है सर? हमें समस्या है, फॉर्म नहीं भरा रही है जी। ये क्या समस्या? क्या समस्या सर? मैं 2019 से 22 सत्र का बीकॉम ग्रेजुएशन का छात्र हूँ। उसमें जनवरी में मेरा एग्जाम हुआ था फर्स्ट पार्ट का, उसका रिजल्ट 8 अप्रैल को आया था। उसमें मेरा एक सब्जेक्ट ने प्रमोट लग गया था। उसका जो फॉर्म भरने गए थे तो उस फॉर्म में इससे पहले एक यूज़र आईडी बनता है, तो उसमें पहले एक दिन तक आईडी बना, उस पर फोटो नहीं आया मेरा, ना ही सिग्नेचर आया, और उसके बाद जब आया तो किसी दूसरे आदमी का था। और दूसरा बात, और उसके बाद फिर पेमेंट नहीं हो रहा है, जो फॉर्म का जो रुपये होता है ना पेमेंट करने, फाइनल सबमिट करने के बाद पेमेंट होता है, उस पेमेंट नहीं हो रहा है, बता रहा है नॉट फाउंड ही रहा है ऐसे ही कुछ। यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे आज स्टाफ ही नहीं है, सब लॉक है। जो डाटा सेंटर है जहाँ पे इसका जो समस्या का सोल्यूशन मिलेगा वो सब लॉक है, और जो बोलता है उधर से उधर जाओ, कहीं पर कोई सोल्यूशन नहीं। कहाँ से आए हो? हम अभी भरवारा सिंहवाड़ा से। क्या नाम है? मेरा नाम है अंशु कुमार। आप बोलिए। फोन करते हैं तो कहते हैं जब यूनिवर्सिटी खुला हुआ, तो जब फोन करते हैं दूर से तो कहते हैं यूनिवर्सिटी खुला हुआ है। जब यहाँ आते हैं तो जो बीए में पार्ट पास थर्ड पार्ट पास था, सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट प्रमोट था, उसका रिजल्ट जब निकला है तो रिजल्ट निकलने के बाद हम लोग इस पर दो बार आ चुके हैं। जब वहाँ आते खुला, यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि बंद है। अब ये समस्या यहाँ नहीं सुने, उन लोगों के लिए कोरोना है जो 50 किलोमीटर दूर से आते, उसके लिए कोरोना नहीं है क्या? यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं होती है। इसका क्या क्या है? बीएड का फॉर्म 7 तारीख तक भरने का लास्ट डेट है विदाउट लेट फाइल, इसका कैसे समस्या होगा? मार्कशीट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो, मैंने आप लोग का फॉर्म नहीं भरा रहा है जी। बीएड का फॉर्म जो भराएगा प्रमोट के प्रमोट हो गए हैं, पार्ट वन प्रमोट था, थर्ड पार्ट क्लियर है, तो जब फाइनल मार्कशीट बनेगा उस आधार पर स्कैन होने के बाद बीएड का फॉर्म भराता है। जब ऐसा नहीं होगा तो कैसे हम लोग फॉर्म भरेंगे? अच्छा, यहाँ आते हैं तो कोई सुनवाई नहीं, वहाँ जाओ कहते हैं इन लोगों के लिए कोरोना हो जाएगा, जो दूर से आते उसे कोरोना नहीं है क्या? क्या नाम हुआ आपका? पंकज यादव। कहाँ से आए हैं? हम तो बेनीपुर से। छात्र आ रहे हैं अपनी समस्या को लेकर, दूर दूर से छात्र आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ डाटा सेंटर का, जो कि उनका मार्कशीट अपडेट नहीं हो रहा है या कुछ समस्या है। सर इसके संबंध में क्या कहना है? वैसे तो विश्वविद्यालय की से यह सूचना दी गई है कि विश्वविद्यालय नहीं आवे, वो मेल के माध्यम से या आवेदन डाल करके ही, जब विश्वविद्यालय पर बारिश हुआ ही प्रवेश पर रोक लगा दिया। फिर भी जो दूर दराज से छात्र छात्राएं आते हैं, मेरी ओर से जहाँ तक होता है हर संभव प्रयास करते हैं कि उनका निराकरण, उनके समस्याओं का निराकरण कर दिया जाए। जहाँ तक डाटा सेंटर की बात है, डाटा सेंटर में एक तो स्टाफ को पॉजिटिव हो गया, इसलिए वो एक दिन बंद कर दिया है। फिर भी एक आदमी अंदर में है, अभी वो खोल करके कर रहा है, भीड़ के चलते नहीं निकल रहा है। बात बाहर में बहुत सारे जगह से लोग हर जगह से आए हैं, वह भी डर से भयांकित है, तो स्वाभाविक है भय होना। इसलिए हमने हमको भी एक वो पेपर देगा, अंदर अंदर वो काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, काम नहीं है। हम अब छात्रों के प्रति संवेदनशील है, छात्र छात्राओं के प्रति जहाँ तक होगा हम इस अवधि में भी उनके समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एक शिकायत ये भी है कि जो फ़ोन से जो भी लोग बात करते हैं उनको फ़ोन से यहाँ बुला लिया जाता है, और यहाँ आने के बाद उसे भगा दिया जाता है, कहते हैं कि जो यहाँ मत आइए। फ़ोन पर क्यों भगा दिया? नहीं, फ़ोन पर ऐसा तो नहीं है, मेरे सामने में फ़ोन उठाता है, दो आदमी दो कर्मचारी यहीं पर उठाते हैं, एक यहाँ भी रहते हैं। दूर के लोगों को बुला लिया जाता है? विश्वविद्यालय कहीं विश्वविद्यालय बुलाने का प्रश्न ही नहीं है,
रहे हैं, जो विश्वविद्यालय पुरानी की बात ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि मना किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि छात्रों की जो समस्या उसका निराकरण हो रहा है। हाँ हो रहा है, कल भी अपडेट किया है, जितना मार्क्स था फर्स्ट पार्ट वाला में जो क्वालिफाई किया है उसको अपडेट कर दिया गया है।